अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज मैं हूँ अपने सेब के पौधे के पास और खुबानी के पौधे के पास। ये दोनों पौधे भी मेरे फार्म हाउस से बाहर लगे हुए थे ओपन खेत में, और इनको मैं निकाल कर लाया और माशाल्लाह इसने एक मंथ में ही रिज़ल्ट दे दिया। तो ये पूरा फूलों से मेरा पौधा भरा हुआ है और इंशाल्लाह मैं इस पर चाह रहा हूँ कि कुछ फ्रूट बन जाए। तो उसके लिए मैं एक टिक आज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और इसमें ये साथ साथ खुबानी का पौधा दिखाता हूँ। इसमें भी कुछ फ्लावरिंग हुई है, 5 से 10 फूल इसमें नज़र आ रहे हैं। ये पौधा भी मेरे घर के बाहर लगा हुआ था ओपन एरिया में, और इसको भी मैं अपने यहाँ लान में लाया हूँ दोस्तों। और अभी मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास फ्लावर बनते हैं और फ्रूटिंग नहीं होती, तो उसके लिए मैं भी अपना ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें शर्तियाँ आपके कहता हूँ कि फ्रूटिंग बनेगी आपकी, और मैं भी ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये हनी, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा एज ए स्प्रे गन में। और असल में जैसे ही फ्लावरिंग होती है पौधों पर, उसके बाद 99% चांस होता है पोलिनेशन पर। जैसे पोलिनेशन अच्छे तरीके हो जाए तो फ्लावरिंग बन जाती है। पोलिनेशन के लिए अमूमन मधुमक्खियाँ या तितलियाँ इस्तेमाल होती है कुदरत की तरफ से। अगर फ्लावरिंग पर जैसे आपको छोटी छोटी यहाँ पर मक्खी नज़र आ रही होंगी, अगर मैं इस पर ये स्प्रे गन से शहद स्प्रे कर देता हूँ, तो ये अट्रैक्ट करेगा मधुमक्खियों को और छोटी हशरात को अपनी तरफ फूलों पर। जैसे वो इन पर घूमेंगी तो पोलिनेशन मुकम्मल होगा। इससे ये 99% चांस होते हैं फ्लावरिंग पर फ्रूटिंग बनने के। तो मैं ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें सादा शहद है और इसको मैं डाल दूँगा इस बोतल में। साथ में मैं यूज़ करूँगा स्प्रे गन, इसको ये आपके सामने ये। तो दोस्तों इसमें मैंने शहद डाल दिया है और ऊपर ये शावर लगा दिया है। अभी मैं इसको शेक करूँगा ऐसे, और इसके बाद मैं फ्लावर के ऊपर ये डालूँगा। ये वाला स्प्रे करना है जस्ट मैंने। इससे ये होगा कि शहद की मक्खियाँ या कोई भी बटरफ्लाई जो हैं ये फूलों में अट्रैक्ट होंगी। उसके बाद पोलिनेशन कम्बल से इसमें फ्रूटिंग के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी सारे फूल जो हैं अभी मतलब गिर चुके हैं। अभी इसमें नहीं क्लियर कि पोलिनेशन हुई है या नहीं हुई। अगर पोलिनेशन हुई होगी तो ये फ्रूट बन जाएंगे, वरना ये ड्राई होकर खुद ही ये छोटे छोटे फूल हैं ये गिर जाएंगे। तो इससे जो होगा, मैंने इसमें शहद मिक्स किया है, इससे जो शहद की मक्खियाँ जो होती हैं वो अट्रैक्ट होंगी, या कोई भी कीड़े मकोड़े अशरात अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पर घूमने फिरने से एक्चुअली ये पोलिनेशन का अमल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर खुबानी का पौधा है, इसमें भी एक आध फूल आया हुआ है ये, इस पर भी मैं ऐसे कर दूँगा शावर। तो जिससे ये होगा कि पोलिनेशन का अमल से शहद की मक्खियाँ अट्रैक्ट होंगी। और आपको मैं दिखाता हूँ पीछे खुबानी के पौधे पर फ्रूटिंग हो चुकी है, वो भी मैंने इसी तरीके से किया है। तो दोस्तों ये मेरा खुबानी का पौधा है, इसमें ये फूल आए हुए हैं, इसको भी मैं ऐसे कर दूँगा स्प्रे कर दूँगा शावर से। इससे ये होगा कि फ्रूटिंग के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें खुबानियाँ भी बन चुकी हैं। ये करीब से देखें, ये एक खुबानी बनी हुई है और काफ़ी, और इसके अलावा एक साथ में खुबानी है, और इधर भी ये 2-3 बनी हुई हैं। तो इन पर भी पोलिनेशन हुई है फूलों पर, तभी इनमें खुबानी बन पाई हैं। पोलिनेशन का अमल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नीचे अभी जो फ्लावर हो रहे हैं तो एक खुबानी बनी हुई है। तो इस तरीके से हम शावरिंग की वजह से या शहद मिलाकर हम खुबानी बना सकते हैं या फ्रूटिंग ज़्यादा ले सकते हैं अपने पौधों से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि जैसे नई वीडियो अपलोड करूँ। ओके जी, मिलते हैं नई वीडियो में नेटअप के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।